हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ द व्लॉग ऑफ 27 जनवरी 2024। सो इस दिन अगेन मैं आज 11 बजे मैं पढ़ने बैठ गई, तो सबसे पहले मैंने अपनी GOC रिवाइज की, क्योंकि जैसा कि आर्य सर ने कहा था GOC में और GOC और आइसोमर को आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं, तो मुझे थोड़े थोड़े टॉपिक में जो मैं लैक कर रही थी वो मैंने प्रैक्टिस किए। कुछ मैंने एक दिन पहले कर चुकी थी, कुछ मैंने अब किए और ये चैप्टर मेरा अब डन है बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं 3 बजे तक ये मेरा काम हो गया, 1 घंटा मैंने ब्रेक लिया और फिर लेक्चर्स का टाइम हो गया। तो आज सबसे पहले था मैथ्स का लेक्चर, जिसमें आज हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट तो लास्ट लेक्चर में ही हो गया था। तो बेसिकली बोले तो आज लेक्चर 1 ही था एक तरीके से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। बहुत ईजी सा चैप्टर लग रहा है मेरे को ये, आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताओ आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये लेक्चर लिया। इसमें ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा मतलब हाफ एन आवर का तो ब्रेक होता ही है। उसके बाद आज फिजिक्स की क्लास गाइस रिकॉर्डेड थी, तो रिकॉर्डेड ग्रेविटेशन का आज लास्ट सा पार्ट था, कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास वेव्स बचता है, वेव्स बोल रहे हैं सर 1 वीक में करा देंगे, फिर हमें 8-10 दिन का ब्रेक देंगे सर, और उसके बाद फिर हमारा रिवीजन स्टार्ट होने वाला है बैच में। तो अभी ग्रेविटेशन का ये लास्ट लेक्चर था। उसके बाद मैंने नोट्स बनाए अपने मैथ्स के, जिनकी क्लिप ना मैं नहीं ले पाई, लेकिन बनने के बाद मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मैंने नोट्स बना लिए मैथ्स के, जो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ बाद में नोट करने के लिए, वो क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करे। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद मैंने अपनी फिज़िक्स की DPP करी, फिज़िक्स की DPP, क्योंकि ग्रेविटेशन में DPP थी। एक्चुअली मैथ्स में सर ने बोला था DPP मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं हुई। मे बी वो आज संडे को अपलोड हो जाए, तो मैं उसको आज ही कर लूँगी। तो ये मैंने फिर उसकी DPP की, बहुत ही ईजी DPP थी, सिंपल, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद मैंने, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज़ कर रही थी, मेरे नोट्स रिवाइज़ हो चुके हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बन चुके हैं मेरे इसके, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अभी मैंने किया फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, थोड़े से मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए, और मज़ा बहुत आ रहा है मॉड्यूल सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चन तो हमारे क्लास नोट्स जैसे ही हैं, सो इट फील्स वेरी अच्छा सा लगता है जब क्लास के क्वेश्चन आप मॉड्यूल में या किसी शीट में देख लो, तो लगता है हाँ हमने कुछ सीखा है। तो फिर मैंने ये सब किया और अब मेरा काम हो चुका है, तो अब मैं ट्रैकर में मेंटेन करूँगी सब कुछ। तो मैंने आज क्या क्या किया वो मैंने किया, और अब 1-2 दिन से मेरे मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, सो आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, एंड कीप इंटरेक्टिंग थ्रू कमेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग। बहुत जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और फिर हमको उस 100 में 10 और बढ़वानी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।